हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्या उसके नेचुरल कॉज हैं, क्या ह्यूमन कॉज हैं, उनके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। और क्लाइमेट चेंज जो टॉपिक है हमारा, उसको हमने स्टार्ट किया था। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं जो भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित सम्मेलन हैं, बैठकें हैं, जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, उन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आज की क्लास में मिलने वाली है, जिसमें सभी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ जो सम्मेलन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और देखिए, क्लाइमेट चेंज एक वर्तमान में अगर हम बात करें या हम आने वाले भविष्य में बात करें, एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से कई सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। और हम आगे पढ़ेंगे भी उनके बारे में, कौन कौन से प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसे रोका नहीं गया, ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया, तो फिर ये एक बड़े पैमाने पर त्रासदी ला सकता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी को इसी क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इससे बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए समय समय पर जो कई सारी बैठकें हैं, कई सारी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और उन्हीं से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो ये एक समझौता है जिसे पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में जानेंगे इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जो पेरिस एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को किया गया था यानी UNFCCC की बैठक के दौरान। अब UNFCCC ये क्या है? तो ये है यूनाइटेड नेशंस, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसी की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये एक यूनाइटेड नेशंस, ये हम कह लें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर, UNFCCC यहाँ पर इसके नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी समय समय पर जो इसके द्वारा बैठकें हैं उनका आयोजन किया जाता रहा है। तो 21वीं बैठक के दौरान, यानी इसकी 21वीं बैठक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कॉप के नाम से जानते हैं, तो COP21 के दौरान इस एग्रीमेंट को किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट किया गया था। और डेट आपको याद रखनी है 12 दिसंबर 2015 को ये एग्रीमेंट किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट, और 196 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, यानी इस समझौते को मानने के लिए तैयार हुए थे। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जाए, वो इस समझौते में प्रमुख बिंदु रहे। और सभी जो देश थे, सभी देशों ने शामिल होकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ने से रोकना है। और जो मेन उद्देश्य में अगर हम बात करें, ग्लोबल टेम्परेचर यानी जो वैश्विक तापमान है, इसको हमको बढ़ने नहीं देना है, बढ़ने से रोकना है। साथ ही साथ जो नेट जीरो का लक्ष्य है, वो सभी देशों को प्राप्त करने का प्रयास करना है। नेट जीरो क्या होता है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। तो नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट था जिस पर ये सारे वादे किए गए कि हम सभी लोग मिलकर ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेंगे, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है, क्लाइमेट चेंज। तो अब इसी में अगर हम आगे बात करें, तो फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया 22 अप्रैल 2016 को, फिर ये लागू हुआ तब, यानी तब समझौता किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था, और ये लागू हुआ 22 अप्रैल 2016 को। अब किस प्रकार से हमको पता चलेगा समय समय पर कि क्या स्थिति है इस समय ग्लोबल वार्मिंग की? तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई, IPCC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक संस्था है, UN की एक संस्था है, और इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है क्लाइमेट चेंज पर, यानी इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है क्लाइमेट चेंज की जो समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड, और इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसके आधार पर हमको पता चलता है कि क्या स्थिति है इस समय ग्लोबल वार्मिंग की। तो ये जो IPCC है, ये UN की एक संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी, यानी हम ये कह लें जिसको बनाया गया था 1988 में इस संस्था को बनाया गया था क्लाइमेट चेंज पर नज़र रखने के लिए, और इसके द्वारा क्लाइमेट चेंज का आकलन किया जाता है, क्लाइमेट चेंज का आकलन किया जाता है इस संस्था के द्वारा। और अभी इसकी रिसेंटली अगर हम रिपोर्ट की बात करें, तो अगस्त में इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है IPCC, और इसके द्वारा बताया गया कि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वैश्विक तापमान है, हमने पेरिस समझौते के दौरान एक लक्ष्य लिया था कि हमको जो क्लाइमेट यानी जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है। तो 1.1 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है वैश्विक तापमान,
और उसके अलावा हमने लक्ष्य लिया था कि हम 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को पहुंचाएंगे, बट ये 2040 में ही हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारा वैश्विक तापमान है वो बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया IPCC के द्वारा। एनालिसिस करके ये बात वहाँ पर बताई गई। तो इसके द्वारा और इसके प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे, वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारे इसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो पड़ने वाले हैं पूरी दुनिया पर, और साथ ही साथ हम बात करें भारत में भी, यानी कोई भी देश इससे फिर बचेगा नहीं अगर ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक रूप से यहाँ पर बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलेंगे और फिर बाढ़ आएगी और फिर समुद्र का जो सी लेवल है वो भी बढ़ेगा और उससे भी कई सारे जो शहर हैं वो वहाँ पर डूब जाएंगे, जो तटीय क्षेत्रों पर स्थित शहर हैं वो सभी डूब जाएंगे। तो इसके कई सारे इफ़ेक्ट हैं जिनमें हीट डोम की घटना अभी हमको कनाडा में देखने को मिली, उसके अलावा हीट वेव, बाढ़, सूखा, जंगल में आग लगने जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमको देखने को मिली ग्लोबल वार्मिंग के दौरान, यानी जो इस समय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इसी से रिलेटेड IPCC ने रिपोर्ट दिया कि हमको इस पर बात करने की आवश्यकता है, हम इस पर डिस्कस करें कि कैसे हम इसको कम करें, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था कि हम 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस होने देंगे, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखेंगे, बट अब हमें ऐसा लग रहा है कि 2040 तक ही हम 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान को यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे। तो सभी देशों को इस पर बैठकर बात करनी होगी। और देखिए इसकी इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी, उसके अलावा कहीं पर सूखा की समस्या और अनियमित चक्रवात का आना, जो कई सारी समस्याएं हैं वो हमको इससे देखने को मिलेंगी। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, तो इससे बहुत सारी समस्याएं हमको यहां पर देखने को मिलेंगी। और भारत की अगर बात करें तो भारत में भी जो मानसून है अनियमित होगा और फसल चक्र यहां पर बिगड़ जाएगा, तो उससे भुखमरी जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम ये कह लें कि वैश्विक स्तर पर इस पर डिस्कशन होना चाहिए और होता भी रहता है हर एक बैठकों में, बट उतनी तीव्रता से जो चीज़ें हैं वो फॉलो नहीं की जा सकती, क्योंकि कई देशों की यहाँ पर मजबूरी बन जाती है, जो विकासशील देश हैं। विकसित देश तो यहाँ पर पहले ही विकसित हो चुके हैं और जो विकासशील देश हैं वो तो अभी पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ी सी समस्या यहाँ पर होती है। तो जाहिर सी बात है जो IPCC की रिपोर्ट है इसके आधार पर ही आगे आने वाली जो UNFCCC की बैठक है उस पर इस पर रिलेटेड बात जरूर होनी थी। तो उसी से रिलेटेड अभी लेटेस्ट में ही COP26 का आयोजन किया गया, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था COP21 में पेरिस समझौता किया गया था। तो ये बैठक होती रहती है, UNFCCC के द्वारा ये बैठक कराई जाती है और ये भी 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया COP26 का। और कोप का बेसिकली यहाँ पर मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में कोप कहते हैं, और ये जो नंबर है उसी हिसाब से हम नंबर आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये जो बैठक है किसके द्वारा कराई जाती है, UNFCCC के द्वारा, जिस पर सभी देश यहाँ पर भाग लेते हैं। और लेटेस्ट वाली जो थी ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया, और यहाँ पर सभी देशों ने अपने अपने विचार रखे और इस मुद्दे पर बात की कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, कैसे हम इस वैश्विक तापमान को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो भारत के द्वारा भी यहाँ पर कई सारी घोषणाएं की गई। तो 5 जो प्रमुख बातें थी COP26 के दौरान डिस्कस की गई, इनमें है सबसे पहली OSOW1OG, यानी कि वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इस पर जो आपस में एग्रीमेंट किया इंडिया और यूके ने कि हम एक परियोजना लाएंगे, जिस प्रकार से सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी भारत और फ्रांस के बीच मिलकर, उसी प्रकार से वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड के हिसाब से हम सौर ऊर्जा का जो उपयोग है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो जिससे हम पेट्रोल डीजल के उपयोग को कम कर पाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी घोषणा थी भारत के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पर भारत ने बात रखी कि क्लाइमेट फाइनेंस दिया जाए, यानी जो भी विकासशील देश हैं उनको एक फंड दिया जाए जिससे वो जो यानी कि क्लाइमेट चेंज की दिशा में कार्य कर सकें, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो तो विकसित हो चुके हैं, तो उनके द्वारा अगर फंड दिया जाएगा तो विकासशील देश कुछ मशीनें लगाएंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, नेट जीरो इमिशन को प्राप्त करने के लिए जो मशीनें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह यहाँ पर पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो इसलिए ये बात कही गई कि क्लाइमेट फाइनेंस एक फ़ंड बनाया जाए। और $1 ट्रिलियन की यहाँ पर भारत ने मांग की कि विकासशील देशों को $1 ट्रिलियन दिया जाए जिससे वो इस दिशा में कार्य कर सकें। उसके अलावा यहाँ पर
जो यूरोपीय यूनियन था और यूएसए, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर सबको कसम खिलवाई, यानी सबसे ये यहाँ पर सबको कहा गया कि सब लोग मीथेन के यूज को कम करेंगे, यानी जो मीथेन है उसके यूज को यहाँ पर कम करेंगे और 2030 तक 30% से कम इस मीथेन को यहाँ पर लेकर आएंगे, ऐसा यूरोपीय यूनियन और यूएसए ने कहा। बट इसमें 103 देशों ने ही इसको मानने के लिए तैयार हुए, बाकी भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, यानी वो शुरुआत कर रहा है मीथेन से ही सभी चीज़ों को जनरेट करने की। और मीथेन का यूज यहाँ पर, मीथेन क्या होती है, एलपीजी होती है, यानी सीएनजी होती है, हमारी सीएनजी में मीथेन होती है, और हम सीएनजी वाहनों को, यानी जो भारत में आपको देखने को मिलेंगे सीएनजी वाहन भी चलते रहते हैं, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं मीथेन पर डिपेंडेंट हैं, तो हम इसके यूज को कम नहीं कर सकते अभी, इसीलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए कि हम मीथेन के यूज को कम नहीं कर पाएंगे अभी। तो इस प्रकार से कई सारी घोषणाएँ की गई COP26 के दौरान, और यहाँ पर सभी ने लक्ष्य लिया कि हम नेट जीरो करेंगे, यानी नेट जीरो के वादे किए गए COP26 के दौरान। तो अब ये वर्ड आ रहा है नेट जीरो, तो नेट जीरो क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो व्हाट इज नेट जीरो कार्बन, तो देखिए नेट जीरो इमिशन का मतलब होता है कार्बन का उत्पादन, जितना हम कार्बन का उत्पादन करें उतना ही कार्बन का निष्पादन करें, यानी कार्बन का उत्पादन बराबर होना चाहिए कार्बन के निष्पादन से। तो इसका क्या मतलब है, यानी जितनी CO2 हम वायुमंडल में छोड़ेंगे उतनी ही CO2 हमको अवशोषित करनी होगी, यानी जितनी CO2 हम यहाँ पर छोड़ेंगे उतनी ही हमें अवशोषित करनी होगी, तब हम नेट जीरो को यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। यानी जैसे कि इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारी जो CO2 है वो हमने छोड़ी, तो इसके सोखने के लिए हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे, और उसके साथ ही साथ अन्य मशीनें भी लगाएंगे CO2 को सोखने के लिए, और तब हम इस नेट जीरो इमिशन को प्राप्त कर पाएंगे। तो कई देशों ने इस COP26 के दौरान नेट जीरो के वादे किए, जो मोस्टली कंट्री इन्होंने 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने की बात कही, यानी जो मोस्टली कंट्री इस COP26 में भाग ले रहे थे 2050 तक, लेकिन भारत के लिए ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए भारत ने 2050 तक नेट जीरो करने की बात यहाँ पर नहीं रखी। और यहाँ पर बात करें अगर हम चाइना की, तो चाइना ने 2060 तक नेट जीरो इमिशन करने की बात कही, यानी नेट जीरो को प्राप्त कर लेगा चाइना 2060 में। और बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है वो चाइना के द्वारा ही किया जाता है, और उसके अलावा फिर इंडिया ने कहा हम 2070 तक नेट जीरो करेंगे, यानी हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पा सकें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है चाइना के द्वारा। और वैसे कुछ और कंट्री हैं, जब काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर ये बन सकता है कि जो नेट जीरो अचीव्ड कर चुके हैं वो कौन से कंट्री हैं, यानी जो नेट जीरो का लक्ष्य वर्तमान समय में ही प्राप्त कर चुके हैं, तो इनमें है आपका भूटान और सूरीनाम। तो ये जो दो कंट्री हैं ये ऑलरेडी नेट जीरो हैं, यानी इनके यहाँ पर जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उससे ज़्यादा ये यहाँ पर सोख लेते हैं। और हम इनफैक्ट अगर बात करें तो भूटान एक कार्बन निगेटिव कंट्री भी है, यानी ये नेट जीरो तो पा ही चुका है, उसके अलावा कार्बन निगेटिव यानी आसपास की भी जो कार्बन होती है उसको भी ये सोख लेता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर वन पाए जाते हैं भूटान के अंदर, और कार्बन का उत्सर्जन उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा अवशोषण है। तो नेट जीरो अचीव्ड कर चुके हैं भूटान और सूरीनाम, और सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन का किया जाता है चाइना के द्वारा, और ये नेट जीरो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ये हमारे ऑलरेडी सारे टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने